नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने रह गए हैं, ऐसे में अब सत्ता रिपीट करने के लिए कांग्रेस अपने सिपाहियों को मैदान में उतार रही है। हाल ही में कांग्रेस ने राजस्थान में 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अब इनमें मैदान में उतारने से पहले आज जयपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और अग्रिम संगठन के प्रदेशाध्यक्ष की संयुक्त बैठक हुई। बता दें कि बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। बैठक में आगामी चुनाव में किस तरह से पार्टी के काम करने हैं इसके बारे में सभी को बताया गया। सबसे खास बात, नए जिला अध्यक्ष द्वारा जिला स्तर पर बनाई जाने वाली कार्यकारिणी के लिए निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से नियुक्ति अपने जिलाध्यक्ष अब अपने जिलों में कार्यकारिणी बनाएंगे और यही कार्यकारिणी चुनाव में पार्टी के लिए काम करेगी। पार्टी कोई भी डायरेक्शन देगी, उसी आधार पर चुनाव में जुटना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जिला स्तर पर भी कार्यकारिणी जरूर होगी और यही कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष द्वारा अब नियुक्त की जाएगी। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि उदयपुर जिला जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश भर में पदाधिकारियों की बैठक में बुलाया गया था और सबसे एक बार मिलना हो गया, साथ ही आगामी चुनाव में किस तरह से तैयारियों में जुटना है इसके बारे में बताया गया और साथ ही अब जिला स्तर पर कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसके लिए निर्देश दिए गए कि कार्यकारिणी में 71 सदस्य होंगे, इनमें से उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सचिव के साथ दूसरे और भी लोग शामिल होंगे। राजनीति से जुड़े लोग अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकारिणी का ज्यादा विस्तार किया जाता है। एक साथ 200 लोगों तक की जिला स्तर और कार्यकारिणी रही है। उदयपुर की बात करें तो अभी 124 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी थी, अब इसमें बदलाव किया गया है, अब 71 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। फतेह सिंह राठौर ने यह भी बताया कि सीएम गहलोत ने लोगों को राहत देने के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, इन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।